बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे, घर पर रहें, महफूज रहें और दार-ए-अरकम ऑनलाइन सिस्टम से इस्तेफादा करें। जी स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू क्लास 10 लेक्चर नंबर 17 की सॉल्विंग के लिए यहाँ मौजूद हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका MCQs का है। इससे पहले यकीनन आपने अपना चैनल सब्सक्राइब किया होगा और लाइक भी किया होगा, नहीं किया तो करें। जी फर्स्ट क्वेश्चन MCQs बेस्ड, जो ऑलरेडी मैं बोर्ड पे राइट कर चुकी हूँ, 7 MCQs है, 7 ही मार्क्स है। पहला MCQs है, मुसन्निफ अशरफ सबूही की सन पैदाइश है। दिए गए ऑप्शंस 1905, 1907, 1908, 1911। एग्जैक्ट ऑप्शन है 1905। नेक्स्ट, मुसन्निफ अशरफ सबूही की सन वफात है। दिए गए ऑप्शंस 1909, 1980, 1991, 1995। जी एग्जैक्ट ऑप्शन है 1990। नेक्स्ट, सबक पाकिस्तान की शहजादी के मुसन्निफ का नाम क्या है? इससे पहले थर्ड MCQs है, दिल्ली की चंद अजीब हस्तियों के मुसन्निफ का नाम, अशरफ सबूही, प्रेमचंद, दिलावर फिगार, हकीम मोहम्मद सईद। जी दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां किताब इसके मुसन्निफ हैं अशरफ सबूही। नेक्स्ट MCQs, सबक परिस्तान की शहजादी के मुसन्निफ का नाम क्या है? दिए गए ऑप्शंस अशरफ जालंधरी, अशरफ सबूही, सजाद हैदर यलद्रम, शफी अकील। एग्जैक्ट ऑप्शन है अशरफ सबूही। नेक्स्ट MCQs, लफ्ज़ मुगलानी का मतलब है? दिए गए ऑप्शंस मलका, शहजादी, दर्जन, मुगल। जी मुगलानी का मतलब दर्जन। एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है? दर्जन, ये मैंने बोर्ड पर राइट नहीं किया। नेक्स्ट 7, अशरफ सबूही ने चंद अंग्रेजी किताबों का डैश भी किया। ऑप्शंस हैं उर्दू तर्जमा, अंग्रेजी तर्जमा, अरबी तर्जमा, फारसी तर्जमा। जी अशरफ सबूही ने चंद अंग्रेजी किताबों का उर्दू तर्जमा भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाकिस्तान की शहजादी का खुलासा। बच्चों खुलासा आपको पता है किसी भी सबक का 1/3 यानी उसका तीसरा हिस्सा तकरीबन लिखना होता है, या अगर पेपर कह लें आपका जो पेपर होता है शीट, उसका एक साइड फुल और दूसरी हाफ तकरीबन इतना मटीरियल। और इसमें सबसे पहले आपने मुसन्निफ का नाम लिखना है, इसके बाद खुलासा। खुलासे की ज़ुबान जो है वो बहुत साफ़ सुथरी और आसान होनी चाहिए, और अगर कहानी है तो यकीनन आप माजी में लिखेंगे, अगर लेसन किसी कहानी की सूरत में है जैसे परिस्तान की शहजादी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फाज मायनी। अल्फाज है लहर बहर, मीनिंग है इसका खुशहाली। नेक्स्ट है बेनियाजी, बेनियाजी का मतलब होता है ला ताल्लुकी या बेपरवाही। नेक्स्ट बेधड़क यानी बिला तामुल, बगैर किसी झिझक के या दलेर। नेक्स्ट खासा, खासा का मतलब दस्तरखान, चुनना, अहली गहली, नाजोदा से नाज नखरे दिखाना। नेक्स्ट निगोड़े, निगोड़े का मतलब निकम्मा या मनहूस। जी ये था आपका सॉल्विंग सेशन शीट नंबर लेक्चर नंबर 17 का। मुझे उम्मीद आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।